हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एग्रो बेस इंडस्ट्रीज कि एग्रो बेस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल की एग्रो बेस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसी में हम पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1854 इन मुंबई की जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी वो हुई थी 1854 में इन मुंबई। और ये जो डेटा है ये फैक्चुअल नहीं है, ये हमेशा ये एज इट इज रहने वाला डेटा है कि जो फैक्ट्री या फिर जो मिल एक बार सेटअप हो गई एस्टेब्लिश हो गई वही डेटा कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर होने वाला डेटा ये नहीं है। तो मुंबई में 1854 में पहली टेक्सटाइल मिल को एस्टेब्लिश किया गया था इन एशियन इंडिया। अगर हम एशियन इंडिया की बात करें तो जो वीविंग है या फिर जो टेक्सटाइल है वो एशियन इंडिया से या फिर प्री इंडिपेंडेंस से भी पहले वो चलता चला आ रहा था। कैसे, जो एशियन इंडिया की हम बात करें तो एशियन इंडिया में हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम वीविंग टेक्निक से काम किया जाता था या फिर जो टेक्सटाइल तैयार किए जाते थे, टेक्सटाइल बनाए जाते थे, क्लोथ्स बनाए जाते थे वो किससे, हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक से बनाए जाते थे। कि सारी चीज़ें क्या होती थी, हाथ से की जाती थी। कि अगर स्पाइनिंग करनी है, धागा बनाना है तो स्पाइनिंग करने के बाद धागा बनता है ना, तो धागा भी हाथ से बन रहा है। और धागा हाथ से बनाने के बाद अगर क्लोथ्स बनाना है तो वो भी किस में, हैंडलूम वीविंग से, कि हाथ से ही उसको बुनकर क्लोथ्स में टेक्सटाइल में उसको कन्वर्ट किया जाता था। बट आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद पावरलूम आए। पावरलूम क्या है, पावरलूम कम केम इन टू यूज़ कि पावरलूम क्या, पावर से चलने वाले जो लूम से, पहले हैंडलूम थे कि हाथ से सारे काम किए जाते थे, अब आ गए हैं पावरलूम। पावरलूम आने के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा कि पहले 10 लोग किसी काम को कर रहे हैं तो वहीं पावरलूम आने के बाद या मशीनरी आने के बाद वो 10 लोगों का काम एक ही मशीन कर रही है, एक ही लूम से 10 लोगों का काम लिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला। लेकिन जो स्पीड थी वर्क की वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। एंड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी कॉलोनियल पीरियड में, उनको एक सेट बैक सफर्ड करना पड़ा। सफर्ड कैसे करना पड़ा कि जो इंडिया की कॉटन थी वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की, या फिर यहाँ पर जो धागा तैयार किया जाता था, यार्न यहाँ पर तैयार किया जाता था वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। तो यहाँ पर जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, ब्रिटेन में या फिर जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यहाँ का इंडिया का यार्न। और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो चुका था, है ना, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो वहाँ पर मशीन से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता था या फिर फैब्रिक बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था और उसी को वापस इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ से बहुत ही कम रेट पर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ से फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करके उसको फिर हाई रेट पर इंडिया में ही सेल कर दिया जाता था कि हमारा ही पैसा था, हमारे रॉ मटेरियल था, हमसे उन्होंने बहुत कम पैसे में लिया, उसके बाद उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, उससे फैब्रिक बनाया मशीन से और फिर इंडिया में ही लाकर उसको बहुत हाई रेट पर उसको बेच दिया। तो इस तरह से जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें जो ट्रेडिशनल हैंडलूम था वो धीरे धीरे सेटबैक होता चला गया कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो हैंडमेड क्लोथ्स था वो उतना ज़्यादा फाइन नहीं था, उसकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती, सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती थी, और जो मशीन मेड था वो फाइन क्वालिटी का था, देखने में भी अच्छा था और सस्ते रेट पर मिल रहा था, कम रेट पर मिल रहा था, तो उसको प्रेफर्ड किया जा रहा था। तो जो हैंडमेड लूम थे या फिर हैंडमेड क्लोथ था उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से
बनकर आ रहा था, मिल में बनकर आते थे, मशीन से बनकर जो कपड़े आ रहे थे, उसको इंडियन फार्मर या फिर इंडियन वीवर्स उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बनाने में, क्योंकि वो हाथ से बन रहा था, और उसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी थी वो उतनी फाइन नहीं थी, उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, तो वो चाह कर भी उसको इतने कम रेट में उसको सेल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जो इंडियन वीवर्स है या इंडियन टेक्सटाइल था वो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा था, और यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाने के बाद उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके ब्रिटेन यहीं पर उसको सेल कर रहा था। एंड अगर हम इसकी लोकलाइजेशन की बात करें, किसके, कॉटन टेक्सटाइल की बात करें ना, तो कॉटन टेक्सटाइल हमने लोकलाइजेशन पढ़ी थी ना कि किसी भी कंट्री को अगर हम सेटअप कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ेंगी, कहाँ पर उसका रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल है, कहाँ पर हमें पावर सप्लाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, वर्कर हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो लोकलाइजेशन की बात करें तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली कहाँ पर, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हैं। क्यों गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉटन ईजिली अवेलेबल है, कॉटन की खेती वहाँ पर की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि सॉइल पड़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में, सॉइल पड़ी थी ना ब्लैक सॉइल, जिसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल इजिली अवेलेबल है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है तो वहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन और रॉ मटेरियल एक ही बात है, वहाँ पर ईजिली रॉ कॉटन अवेलेबल है, क्योंकि कहाँ पर, गुजरात और महाराष्ट्र में उसकी खेती की जा रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा अर्बनाइज प्लेसेस हैं कि यहाँ पर गुजरात हो गया और यहाँ ये महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन एरिया है, तो मार्केट इजीली अवेलेबल है। और ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेबल पोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पर ईजिली क्या है, पोर्ट अवेलेबल है कि पोर्ट से ओवरसीज ट्रेड किया जा सकता है। एंड लेबर, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इजीली स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर वहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड मोस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा, जो भी फेवरेबल कंडीशन है वहाँ की, जो क्लाइमेट है वो मोस्ट क्लाइमेट है और जो कॉटन की फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, इसीलिए ज़्यादा जो कॉटन मिल हैं वो पाई जाती हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। इसको हम सेंट्रलाइज कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सारी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हैं। एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज क्लोजली लिंक विद एग्रीकल्चर एंड फार्मर, पढ़ा था ना कि इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर, मतलब एक साथ चलती हैं। कैसे, जो कॉटन टेक्सटाइल है वो क्लोजली लिंक है एग्रीकल्चर एंड फार्मर। एग्रीकल्चर कॉटन ग्रो हो रही है, कॉटन सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉटन ग्रो हो गई, काम खत्म हो गया, कॉटन ग्रो इसलिए हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है, इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल में उसकी डिमांड बढ़ रही है कि तुम जो फार्मर हैं वो ग्रो कर रहे हैं, किसको, फार्मर कॉटन को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं कि जो कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, वो पहले फ्लावर्स बनते हैं उनके, कॉटन वाइट कलर की कॉटन बॉल्स रखते हैं, उसको पिक करना पड़ता है, प्लकिंग करना पड़ता है, उसको एक एक बॉल को उठाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गेहूं की तरह पूरी हार्वेस्टिंग हो गई एक बार उसको काट लिया, एक एक बॉल को पिक करना पड़ता है, फिर उसके सीड्स को अलग करना पड़ता है, फिर उसे थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, फिर उसको वीविंग की जाती है, तो बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। तो एग्रीकल्चर और फार्मर के अलावा भी इट सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज, फार्मर्स के अलावा भी ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है कि पहले क्या था, कॉटन बॉल थी, कॉटन बॉल को पिक करने का काम हुआ, वहां पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसके बाद फिर उसको धागा बनाया, तो धागा कहाँ बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा, बहुत सारे लोग उसमें धागा बनाने का काम करेंगे, फिर उससे क्या होगा, वीविंग होगी, कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनने के बाद उससे क्या होगा, डाइंग होगी और उसके बाद क्या होगी, उसकी टेलरिंग होगी, सीविंग होगी। तो यहाँ पर जो केमिकल एंड डाइंग है कि केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं ना, अब तो कॉटन कैसा है, कॉटन तो वाइट है, अगर उसको काला पीला हरा नीला रंग देना तो कैसे करना पड़ेगा, केमिकल्स डालने पड़ेंगे, उसको डाई करना पड़ेगा, उसके बाद
पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की आपको शर्ट लेने जा रहे हैं, आप कोई भी ट्राउजर लेने जा रहे हैं या फिर दूसरा कोई भी आप फैब्रिक लेने जा रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छे से पैकिंग में मिलता है, तो पैकेजिंग को सपोर्ट कर रहा है, पैकेजिंग मटेरियल है एंड एज वेल एज इंजीनियरिंग वर्क्स, तो बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रही है एंड बट स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी कॉटन टेक्सटाइल फेस कर रही है कि जो जितना उम्दा क्वालिटी का, जितना बहुत अच्छी क्वालिटी का उसका यार्न है, उसका धागा है, उतनी बेस्ट क्वालिटी का उसका फैब्रिक नहीं तैयार होता है। उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा क्यों है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो कॉटन टेक्सटाइल फेस कर रही है। वो चैलेंजेस क्या हैं, वो चैलेंजेस हैं, देयर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडिया फेस कर रही है। वो क्या चैलेंजेस हैं, तो स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग यूनिट कि जो स्पिनिंग यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत फाइन क्वालिटी का धागा, बहुत फाइन क्वालिटी का यार्न तैयार करती हैं। नो डाउट कि बहुत बढ़िया तरीके का, बहुत उम्दा क्वालिटी का धागा यहाँ पर तैयार किया जाता है, बट वीक वीविंग सेक्टर्स, लेकिन जो वीविंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीक है मतलब कि जो कपड़ा बनाया जाता है, जो फैब्रिक बनाया जाता है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता जितनी अच्छी क्वालिटी का धागा है। जितनी बढ़िया क्वालिटी का धागा है उतनी अच्छी क्वालिटी की वीविंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए क्या है, स्पिनिंग सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु की जो स्पिनिंग है धागा बनाने का काम है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में, जहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होती है वहीं पर उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया कि धागा उसका वहीं पर तैयार होगा, क्योंकि बहुत ही फाइन क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का धागा तैयार किया जाता है। जबकि जो वीविंग है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। डिसेंट्रलाइज कैसे कर दिया है, वेयर इज वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज प्रोवाइड स्कोप फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड द डिज़ाइन, कि अलग अलग जगहों पर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि ताकि जो लोग हैं वो अपनी स्किल्स को, अपने डिज़ाइंस को, अपनी टेक्निक को यूज़ करें और फाइन क्वालिटी का अलग अलग तरीके का फैब्रिक उससे तैयार करें। तो इसीलिए कि साउथ सिल्क है, कॉटन सिल्क है, जरी है, इसीलिए हमारे पास ये इतनी बेस्ट क्वालिटी या फिर अलग अलग क्वालिटी हमारे सामने आई, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो जो स्किल और जो स्किल लेबर है वो अपने डिज़ाइनिंग को, अपने स्किल को, अपने टेक्निक्स को यूज़ करके उसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स को तैयार करती हैं। ओके, एंड इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। नो डाउट कि वर्ल्ड क्लास कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो इंडियन यार्न है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको एक्सपोर्ट करती है वहाँ पर, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, लेकिन जो वीविंग है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उससे बहुत बढ़िया क्वालिटी का फैब्रिक तैयार नहीं होता है। सो इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो वो जो कंट्री में ही इतनी बढ़िया क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो यूज़ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो कॉटन से यार्न कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, जब उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है, वीविंग की जाती है, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस होने के बावजूद जो फैब्रिक बनता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सो वी एक्सपोर्ट यार्न बट इम्पोर्ट फैब्रिक, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटी का धागा पैदा हो रहा है, धागा बनाया जा रहा है, उसको हम एक्सपोर्ट कर दें दूसरी कंट्रीज में, और वहाँ पर जो फाइन अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक तैयार हो रहा है उसको हम इम्पोर्ट कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें वैल्यू एड होगी, जो हम धागा जो यार्न हम एक्सपोर्ट करेंगे, सपोज हमने जो यार्न है वो एक्सपोर्ट कर दिया 80 और 100 रुपीज़ पर केजी, चलिए हमने उसको 100 रुपीज़ पर केजी उसको एक्सपोर्ट कर दिया है धागा बनाकर, उसी से हमारे भेजे हुए धागे से उन्होंने फैब्रिक बनाया और फैब्रिक को हमें वापस भेज दिया, सपोज उन्होंने शर्ट बनाई, कोई ट्राउज़र बनाया, हमको भेज दिया और वही उसको हमने 1000 रुपीज़ में ख़रीदा,
तो क्या हुआ, ये वैल्यू तो इस धागे से हम भी बना सकते थे ना, जो हमारा धागा था उससे हम भी बना सकते थे, तो इसमें कितनी सा वैल्यू ऐड हो गई कि वो 100 रुपीज़ में हमने उनको दिया और उसी हमारे धागे से उन्होंने फैब्रिक बनाया और उसको हमें 1000 रुपीज़ में हम ही को बेच दिया। हम कॉटन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉटन एक्सपोर्ट करने में और फैब्रिक को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, कि कॉटन को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा वैल्यू फैब्रिक की होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू गारमेंट की होगी। अगर हम कपड़े बनाकर बेचेंगे तो वो ज़्यादा महंगे बिकेंगे, जबकि अगर हम कॉटन को बेचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम रेट पर सेल होगी। तो यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं होगी, एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं हम धागा, लेकिन जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी। एंड 1/4 ऑफ शेयर इन वर्ल्ड्स ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, ध्यान से देखिए क्या कहा है, 1/4 शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, कि जो कॉटन यार्न का ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, बट ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन गारमेंट, लेकिन जो गारमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 4% का है। ये प्रॉब्लम हो गई, जो हम चैलेंज पढ़ रहे थे ये एक चैलेंज हो गया। क्या चैलेंज हो गया, कि जो स्पिनिंग है वो तो वर्ल्ड क्लास की, स्पिनिंग तो बहुत स्ट्रांग है, बट वीविंग उतनी ही वीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है इरास्किक पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई है वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, आती रहती है, जाती रहती है, चली गई तो फिर कई कई घंटे के लिए चली जाती है। तो इससे भी कि मशीन एक बार बंद हो गई फिर से वो शुरू होंगी, तो ये जो इरास्टिक पावर सप्लाई है ये भी एक चैलेंज की तरह काम करती है। एंड अब ग्रेडेशन ऑफ द मशीनरी, जो मशीनरी है जो ट्रेडिशनल टाइम से चली आ रही है, जो मशीनरी पुरानी हो गई है, घिस गई है बहुत ज़्यादा, तो उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो नई टेक्निक आ रही है, नई डिज़ाइनर मशीन्स आ रही है, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एंड लो आउटपुट ऑफ द वर्कर्स और लेबर्स, जो लेबर्स हैं वो उतना आउटपुट, इतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाते हैं। एंड द स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, और इसके साथ जो सिंथेटिक फाइबर आ गया है वो सिंथेटिक फाइबर को कम्पीट नहीं कर पा रहे, या फिर वो उसको एक बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहा है, कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो फाइन क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन जो कॉटन टेक्सटाइल है वो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा उसको टफ कंपटीशन दे रहा है, उसको एक बहुत ही स्टिफ कंपटीशन दे रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस विच फेस बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर इन चैलेंजेस को किसी हद तक खत्म कर लिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, तो मे बी पॉसिबल कि जो वीविंग है या वीविंग सेक्टर है वो कुछ हद तक इम्प्रूव कर जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कब पहले एस्टेब्लिश हुई, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो सारी हमने देख ली। इन द नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को ही पढ़ेंगे बच्चे, और वो होगी क्या, हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टाइटल होगा या टॉपिक होगा हमारा जूट टेक्सटाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।